हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का 9th वीडियो है। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग को फोर्सफुली कैसे चेंज किया जाता है। लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि किसी डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग को फोर्सफुली कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम किसी सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग को फोर्सफुली चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो यदि आप CHOWN कमांड के साथ में हाइफन आर ऑप्शन यूज करके किसी डायरेक्टरी या डायरेक्टरी सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कमांड क्या करेगा कि उसी सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करता है, ठीक है। अगर आपको जिस डायरेक्टरी का रेफरेंस है, ठीक है, और उस डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग के साथ में उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज और उसकी फाइल्स की भी अगर आपको ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आप दो कमांड यूज कर सकते हैं। पहला है CHOWN -R ऑप्शन, उसके बाद ओनर और ग्रुप सेटिंग जो आप असाइन करना चाहते हैं उस सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी पर, और उसके बाद उस सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है और उसके बाद आपको स्लैश यूज करना है। दूसरा कमांड है CHOWN -R H और उसके बाद ओनर और ग्रुप सेटिंग जो आप असाइन करना चाहते हैं और उसके बाद उस सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है विद फुल पाथ, ठीक है। तो ये दोनों कमांड आप जब एक दोनों में से कोई एक कमांड जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कमांड क्या करेंगे कि ओनर ग्रुप सेटिंग किस डायरेक्टरी की चेंज करेंगे, जैसे माई डीआर लिंक जिस टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का रेफरेंस लिंक है, ठीक है। तो जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कमांड क्या करेगा, टेस्ट डीआर डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करेगा और साथ में उस टेस्ट डीआर डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरीज और उसकी फाइल्स की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /et/my-solution/owner, ठीक है, इसका कंटेंट लिस्ट आउट कर दीजिए। इसके अंदर दो डायरेक्टरी है, DIR1 और DIR2। तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे DIR2 पर, ठीक है। आप DIR1 पर भी कर सकते हैं और उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। ऐसा कोई फिक्स रीजन नहीं है, मैं ऐसे करना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं DIR1 का जो सब डायरेक्टरी सब फाइल्स है उनकी ओनर ग्रुप सेटिंग है रूट, और उसी तरह DIR2 के लिए है माई सॉल्यूशंस और माई ग्रुप, ठीक है, ओनर ग्रुप सेटिंग। तो मैं DIR2 यूज कर रहा हूं, आप कोई भी डायरेक्टरी यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल के लिए, किसी भी डायरेक्टरी के। तो सबसे पहले मैं DIR2 का एक रेफरेंस लिंक क्रिएट करता हूं, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होगा ln-s और उसके बाद जिस डायरेक्टरी की आप सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना चाहते हो उसका पाथ, और उसके बाद जो भी लिंक को आप नेम देना चाहते हैं, जैसे मैं नेम असाइन कर रहा हूं इसको माई लिंक, ठीक है, ls-l। तो देखिए यहां पर एक लिंक क्रिएट हो चुकी है, सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी 2 की माई लिंक, ठीक है। अब अगर मैं CHOWN -R ऑप्शन और उसके बाद मैं इसको ओनर असाइन कर रहा हूं A1 और ग्रुप असाइन कर रहा हूं ग्रुप 1, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये यूजर और ग्रुप अवेलेबल है या नहीं। grep A1 ये अवेलेबल है, उसी तरह ग्रुप चेक कर लेते हैं etc/pass-wd grep group। सॉरी, ये अवेलेबल नहीं, हम गलत फाइल में चेक कर रहे थे, ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी grep gr, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर group 1 और group 2 अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई भी एक ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। अब मैं चेंज करता हूँ CHOWN -R ऑप्शंस और उसके बाद ओनर में असाइन कर रहा हूँ A1 और ग्रुप असाइन कर रहा हूँ group 1, और किस पर असाइन कर रहा हूँ माई लिंक। अभी मैं स्लैश यूज नहीं कर रहा हूँ माई लिंक के साथ में, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देख लीजिए जो ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हुई है, ठीक है, वो किसकी हुई है, इस सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी की हुई है, ठीक है।
यहां पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए डीआर डायरेक्टरी 2 की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज नहीं हुई है, ठीक है। उसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो सब डायरेक्टरी है उनकी ओनर ग्रुप सेटिंग भी चेंज नहीं हुई है, आप यहां से चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इनकी ओनर ग्रुप सेटिंग भी वैसी है जैसे कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि उस लिंक सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी के थ्रू आपको क्या करना है, उस रेफरेंस डायरेक्टरी जिस ये माइलिंग जो रेफरेंस सिंबॉलिक डायरेक्टरी है वो किसकी रेफरेंस डायरेक्टरी, किसकी रेफरेंस फाइल है, डायरेक्टरी 2 की, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको कमांड एग्जीक्यूट करूं ओनर और ग्रुप सेटिंग चेंज करने के लिए, तो ओनर और ग्रुप सेटिंग इस डायरेक्टरी की चेंज होनी चाहिए और साथ में इस डायरेक्टरी की जो सब डायरेक्टरीज है, सब फाइल्स है, उनकी भी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड, दो कमांड आप यूज कर सकते हैं, chown-r ऑप्शन, उसके बाद जो भी आप ओनर ग्रुप सेटिंग असाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं ओनर असाइन करना चाहता हूँ A2 और उसके बाद ग्रुप असाइन करना चाहता हूँ ग्रुप 2, ठीक है, और उसके बाद माय लिंक। अब ये कमांड यूज कर सकते हैं, माय लिंक के साथ में आपको स्लैश यूज करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक कमांड और है जो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली माय लिंक यूज करना चाहते हैं, स्लैश यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हाइपन कैपिटल H ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जब आप हाइपन कैपिटल H ऑप्शन यूज कर रहे हैं इस कमांड में, तब आपको माय लिंक को स्लैश से फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है, देख लीजिए यहां पर डायरेक्टरी 2 की ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ls-l कमांड की सहायता से डायरेक्टरी 2 की सब डायरेक्टरीज और फाइल्स की ग्रुप सेटिंग भी चेंज हुई या नहीं। तो देख लीजिए यहां पर इस डायरेक्टरी की जो सब डायरेक्टरीज थी, फाइल्स थी, उनकी भी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब मैं एक और कमांड एग्जीक्यूट करता हूं जो इससे पहले हम देखना चाह रहे थे, chown-r दूसरा कमांड। अब मैं असाइन करना चाहता हूं A1 और ग्रुप असाइन करना चाहता हूं A2, ठीक है, और उसके बाद में माय लिंक स्लैश। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब भी सेम यूज होगा इस कमांड का और इस कमांड का, दोनों का यूज सेम है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर A1 और A2, ठीक है, डायरेक्टरी 2 की ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है, ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है। आप यहां से चेक कर लीजिए ls-l dir2, तो देख लीजिए यहां पर भी उसकी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है, यानी डायरेक्टरी 2 की जो ओनर और ग्रुप सेटिंग थी सब डायरेक्टरीज की और सब फाइल्स की, उनकी भी ओनर ग्रुप सेटिंग चेंज हो चुकी है। तो ये कमांड और ये कमांड दोनों का यूज सेम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी सिंबॉलिक लिंक डायरेक्टरी की ओनर ग्रुप सेटिंग को फोर्सफुली चेंज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।